गाइस 30,000 रुपीज के प्राइस रेंज में आज की डेट में वीवो V27 एक ऑलराउंडर पैकेज है, जहां पर कर्व एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर, बेटर कैमरा एक्सपीरियंस, 50MP का सेल्फी कैमरा, तो ये सारी चीजें इस फोन में ऑफर की गई हैं। अब कंसीडरिंग प्राइस पॉइंट पर आने वाले कुछ ही दिनों में OnePlus Nord 3 लॉन्च होने जा रहा है। अब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं और कमेंट सेक्शन में रिपीटेडली सवाल पूछ रहे हैं कि भाई Vivo V27 को कंसीडर कर लेना चाहिए या फिर OnePlus Nord 3 का इंतजार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लोगे तो आपकी मोस्ट ऑफ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल बाकी रह जाता है ये वीडियो देखने के बाद, तो डेफिनेटली आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक चीज़, इस वीडियो में हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की ओर से कमेंट सेक्शन में पूछे गए थे उसका भी हमने रिप्लाई किया है। तो चलिए सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ, दोनों में से कौन सा फोन सबसे ज्यादा प्रीमियम है? तो डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग Vivo V27। इसके पीछे का रीजन ग्लास बैक, दूसरा रीजन कलर चेंजिंग बैक, मैट फिनिश डिजाइन। जी हाँ, आप देख सकते हो इंडोर कंडीशन में ये फोन कैसा दिखता है, अब आउटडोर कंडीशन में ये फोन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैट फिनिश होने की वजह से इस फोन में फिंगरप्रिंट स्मजेस देखने को नहीं मिलते, जो कि काफी अच्छी चीज है। जबकि OnePlus Nord 3 में फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड दोनों ही तरफ ग्लास बैक है और ग्लोसी डिजाइन ऑफर की गई है, जो आप देख सकते हो। अब ये जो ग्लोसी डिजाइन होती है उसमें फिंगरप्रिंट स्मजेस के निशान आ जाते हैं, तो वो दिखने में अच्छे नहीं लगते। तो ये चीज आपको Vivo V27 में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर मैट फिनिश है और यहां पर ग्लोसी डिजाइन है। OnePlus Nord 3 भी लुक वाइज एक अच्छा फोन है, लेकिन मुझे पर्सनली Vivo V27 लुक वाइज ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वहां पर मैट फिनिश ऑफर की गई है। बाकी ये जो लुक और डिजाइन है वो एक सब्जेक्टिव चीज होती है, जिसमें सबकी चॉइस डिफरेंट रह सकती है। आपको इन दोनों फोन में से किस फोन का लुक सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। दूसरा सवाल, इन दोनों फोन में से किस फोन की डिस्प्ले ज्यादा बेटर है फॉर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस? तो डेफिनेटली यहां पर भी Vivo V27 बिकॉज ऑफ कर्व डिस्प्ले। दोनों ही फोन में सेम 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑफर की गई है, लेकिन जो डिफरेंस है Vivo V27 में कर्व डिस्प्ले होने की वजह से इस फोन का मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, जबकि OnePlus Nord 3 में फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है। इसी के साथ दोनों ही फोन में 120Hz का रिफ्रेश रेट। दोनों ही फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर किया गया है। Vivo V27 में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलेंगे, जबकि OnePlus Nord 3 में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ OnePlus Nord 3 में अलर्ट स्लाइडर, जो OnePlus की शान मानी जाती है, तो ये चीज आपको OnePlus Nord 3 में देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ IR ब्लास्टर सेंसर भी OnePlus Nord 3 में ऑफर किया गया है, जबकि ये दोनों चीजें यानी कि IR ब्लास्टर सेंसर और अलर्ट स्लाइडर Vivo V27 में नहीं है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस और हार्डकोर गेमिंग के लिए इन दोनों में से कौन सा फोन बेटर है? तो डेफिनेटली यहां पर भी OnePlus Nord 3। परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही फोन में मेजर डिफरेंस है। OnePlus Nord 3 में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 4nm FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और इसका एंटूटू स्कोर 9 लाख से भी ऊपर है। जबकि दूसरी ओर Vivo V27 में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर ऑफर किया गया है और ये प्रोसेसर भी 4nm FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर 6 लाख से भी ऊपर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं OnePlus Nord 3 परफॉर्मेंस वाइज कितना बेटर है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी दोस्तों हार्ड कोर गेमिंग की है या फिर हैवी टास्क परफॉर्म करना आपकी प्रायोरिटी है, तो डेफिनेटली यहां पर OnePlus Nord 3 एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी दोनों ही फोन एंड्रॉइड 13 पर रन करते हैं और कस्टमाइजेशन को लेकर आपको दोनों ही फोन में काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। कस्टमाइजेशन को लेकर दोनों ही फोन से आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी। एक और चीज, OnePlus का जो ऑक्सीजन OS है वो मच बेटर है अगर इसे हम कंपेयर करते हैं Vivo के फन टच OS से। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप ऑफर किया गया है। 50MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर दोनों ही फोन में ऑफर किया गया है, लेकिन यहां पर एक कैच है। Vivo V27 में आपको जो प्राइमरी कैमरा सेंसर है वहां पर OIS देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन, लेकिन OnePlus Nord 3 में OIS है या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है। बाकी के जो दो सेंसर हैं, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2MP का लेजेंडरी सेंसर, वो दोनों ही फोन में सेम है। इसी के साथ सेल्फी कैमरा आपको Vivo V27 में 50MP का ऑफर किया गया है, जबकि OnePlus Nord 3 में 16MP का सेल्फी कैमरा है। Vivo V27 के फ्रंट कैमरा एज वेल रियर कैमरा से आप 4K 30fps पर वीडियो को शूट कर पाओगे, जबकि OnePlus
Note 3 के सिर्फ रियर कैमरा से ही आप 4K 30 FPS पर वीडियो को शूट कर सकते हैं, और जो फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, उससे आप 1080p 30 FPS पर ही वीडियो को शूट कर पाओगे। तो यहाँ पर Vivo V27 सेल्फी कैमरा वाइज बेटर है। अगर आपको वीडियो कैप्चर करना अगर आपकी प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली यहाँ पर Vivo V27 बेटर ऑप्शन है। बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें तो OnePlus Note 3 में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी ऑफर की गई है और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जबकि दूसरी ओर Vivo V27 में 4600 mAh की बैटरी ऑफर की गई है और 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी एंड चार्जिंग स्पीड दोनों ही चीजों में OnePlus Note 3 आगे है। ओवरऑल दोस्तों, अगर आपको प्रीमियम डिजाइन, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर कैमरा, तो ये सारी चीजें अगर आपकी प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली आप Vivo V27 को कंसिडर कर सकते हैं। OnePlus Note 3 किन लोगों के लिए है? तो अगर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी चाहिए, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, ऑक्सीजन OS का यूजर इंटरफेस, या फिर OnePlus ब्रांड से आप कॉन्शियस हैं, तो ये सारी चीजें अगर आपकी प्रायोरिटी हैं, तो डेफिनेटली आप OnePlus Note 3 का इंतजार कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये जो OnePlus Note 3 है वो 16GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च होगा। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में OnePlus Note 3 के कौन से वेरियंट लॉन्च होते हैं। बाकी दोस्तों, इन दोनों फोन को लेकर आपके क्या ओपिनियन है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, और अगर आपका कोई भी सवाल है या सुझाव है तो वो भी आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फैला दो इस वीडियो को जहां पे भी आपका मन करे। मैं आपका इंतजार करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।